क्या आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है? क्या आपके पास वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का वक्त नहीं है? क्या आप किसी और राज्य में हैं? क्या आप वोटर आई कार्ड के लिए चक्कर नहीं लगाना चाहते? तो हमारे पास है आपकी समस्या का समाधान, चाहे देश के किसी भी कोने में हो आप। करें वोटर आई कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इन जरूरी चीजों का रखें विशेष ध्यान। आपके पास होनी चाहिए अपनी लेटेस्ट स्कैन की हुई फोटो, साथ ही अपने साथ रखें स्कैन किया हुआ एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ। एज प्रूफ में आप अपनी मार्कशीट का इस्तेमाल करें। गूगल सर्च करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर लॉगिन करें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट eci.nic.in पर। अब आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हैं। वेबसाइट में सबसे टॉप पर कुछ बटन्स बने हुए हैं। राइट हैंड साइड पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बटन को आप देख सकते हैं। कर्सर उस पर ले जाते ही कुछ विकल्प आपको दिखेंगे। आप सबसे पहला यानी कि फॉर्म 6 नामांकन वाला विकल्प चुनें और उस पर क्लिक करें। अब आपको एक निर्देश दिखाई देगा फॉर्म 6 भरने के लिए। अपना मोबाइल नंबर भरें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। अब आप पेज नंबर 1 देख सकते हैं। अब इस पेज पर जो भी जानकारी भरनी है उसे भरिए। सबसे पहले अपना स्टेट चुनें जहां के आप निवासी हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इसी तरह अपना निर्वाचन क्षेत्र भी भरें। इसके बाद आप अपना नाम और सरनेम भरें। अब आप लिंग चुनिए, महिला पुरुष में से सेलेक्ट करें। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान भरें। अपने गांव या शहर का नाम भरें। सारे डिटेल भरने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करें ताकि आपकी जानकारी सुरक्षित हो जाए। सेव करने के बाद कंटिन्यू करें। अब आप पेज 2 पर हैं। पेज 1 की तरह ही इस पेज पर भी अपना डिटेल भरिए। सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। इसके बाद आप रिलेशंस टाइप वाले कॉलम को भरें। इसमें आप अपने माता पिता का नाम भर सकते हैं और अगर आप शादीशुदा हैं तो रिश्ते के हिसाब से पति पत्नी का नाम भर सकते हैं। अब सेव बटन दबाइए और कंटिन्यू कीजिए। अब आप पेज 3 देख सकते हैं। पेज 3 में भी आपको जानकारी भरनी होगी। इसमें सबसे पहले आप अपनी जन्मतिथि भरिए, डेट मंथ और ईयर यानी कि सबसे पहले तारीख, फिर महीना और उसके बाद साल। जन्मतिथि को प्रमाणित करने के लिए अब आप अपना स्कैन किया हुआ मार्कशीट अपलोड कीजिए। अब आप अपना हाउस नंबर या डोर नंबर भरिए और अब अपना स्कैन किया हुआ एड्रेस प्रूफ अपलोड कीजिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपना राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ठीक नीचे स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला या रोड भरें। पोस्ट ऑफिस और पिन कोड भरिए। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें और कंटिन्यू करें। अब आप पेज 4 पर हैं। इसमें एप्लीकेंट को अपने परिवार के सदस्यों की डिटेल्स भरनी होगी। अपने परिवार के सदस्यों के डिटेल्स भरें और उनसे आपका क्या रिश्ता है उसकी जानकारी दीजिए। अब आप अपने माता पिता या अन्य रिश्तेदार जिनका आपने डिटेल भरा है उनके निर्वाचन क्षेत्र का पार्ट नंबर भरिए। इसके बाद पार्ट का सीरियल नंबर भरें। अब उनका फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर भरिए। यदि आपके माता पिता या अन्य रिश्तेदार जिनका आपने विवरण दिया उनके पास वोटर कार्ड नहीं है और वो कहीं से एनरोल नहीं है तो इन बॉक्सेस को खाली छोड़ दें। फॉर्म 6 भरने में होने वाली गलतियाँ। लोग अक्सर डिक्लेरेशन वाला कॉलम भरना छोड़ देते हैं। ऐसा होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। डिक्लेरेशन वाले कॉलम में आप कब से वहाँ के बाशिंदे हैं ये भरिए। पेज 4 के कॉलम नंबर 5 में वोटर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड की जानकारी भरनी होगी। यदि आपके पास पहले से वोटर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड है तो उसके डिटेल्स भरें और अगर नहीं है
तो नो को मार्क करें। अगर पहले इशू हुआ है तो उसका एपिक नंबर और किस तारीख को इशू हुआ था ये भरना ना भूलें। अब आप नीचे दो बटन देख सकते हैं, प्रिंट व्यू और सबमिट। अपने फॉर्म को सबमिट करें या फिर आप अपने द्वारा भरे गए फॉर्म 6 को देख सकते हैं। ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। कब और कहां से मिलेगा? करीब एक महीने में आपका वोटर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। वोटर कार्ड लेने के लिए आपको अपने इलाके के वोटर सेंटर में जाना होगा। व्यक्तिगत रूप से वोटर आईडी बनवाने के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन एंड एपिक सेंटर, बूथ लेवल ऑफिसर व दूसरे पूर्व निर्धारित स्थानों पर संबंधित फॉर्म भरकर जमा कराया जा सकता है। इस फॉर्म के साथ घर के पते का प्रूफ, एज प्रूफ और रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना जरूरी है। फॉर्म जमा कराने के बाद BLO आपके घर के पते पर आकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और संतुष्ट होने के बाद आपको एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर या फिर कॉल करें 011-237-173-91 पर।